अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। नवरात्र में डाइट को लेकर अगर आपके ये तीन क्वेश्चंस हैं तो उसका जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। पहला कि नवरात्र में बाहर तो खाना नहीं है, तो डाइट में ऐसा क्या ले कि फास्टिंग भी हो जाए और वेट भी कम हो जाए। दूसरा, नवरात्र के डाइट के पीछे और फास्टिंग के पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है ताकि हम फास्टिंग का पूरा फायदा उठा सकें। और तीसरा, रिप्लेसमेंट कैसे करें? अगर हम रोटी, चावल, दाल खाते हैं तो उसकी जगह क्या खाएं? अगर हम नॉनवेज जैसे अंडे या चिकन का सेवन करते हैं तो उसकी जगह क्या खाएं ताकि हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का रेशियो गड़बड़ ना हो। तो ये सब का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो पहला क्वेश्चन कि नवरात्रों में बाहर तो खाना नहीं है, तो डाइट में ऐसा क्या लें जिससे फास्टिंग भी हो जाए और वेट लॉस भी हो। वेट लॉस करने के लिए हमें कैलोरी डेफिसिट में जाना होता है। कैलोरी डेफिसिट का मतलब कि अपनी ज़रूरत से हम कम खाएंगे। अब ज़रूरत से जब आप कम खाते हैं तो नॉर्मली फास्टिंग में 90% हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, या फिर आप मेरी तरह किसी यूट्यूबर या इंस्टाग्राम का डाइट फॉलो करेंगे जो बिना आपको जाने कि आपका हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपका ब्लड टेस्ट क्या है, आपके इंटरनल हेल्थ का क्या सिचुएशन है, आपको एक डाइट दे देगा और आप उसको फॉलो करोगे। उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अगर आपका वेट लॉस होता भी है तो वो मोस्टली मसल से और वाटर से होता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो फ्यूचर में वेट गेन के चांसेस पक्के हो जाते हैं। और इम्यूनिटी की वजह से बहुत लोगों को कोल्ड एंड कफ हो जाता है इसी नवरात्रों में, और बहुत लोग इसका ब्लेम डाल देते हैं सीजन चेंज पे कि वेदर चेंज हो रहा है इसलिए हमारा तबीयत खराब हो गया। जबकि उनका तबीयत, उनकी इम्यूनिटी इसलिए खराब हो गई क्योंकि वो वेट लॉस के चक्कर में वो चीज़ें खा रहे हैं जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्योंकि जो डाइट आप ले रहे हैं उसमें कितना प्रोटीन होना चाहिए, आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना फैट होना चाहिए, ये सामने वाले को मालूम नहीं जिससे आपने डाइट लिया है। तो अगर आप कोई प्रोफेशनल डाइट ले रहे हैं तभी फॉलो करें, या फिर अपनी नॉर्मल डाइट को फॉलो करते रहें, वेट लॉस के चक्कर में मत पड़ें। क्योंकि वेट लॉस 9 दिन में नहीं होगा। बहुत ज़्यादा अगर आप अचीव कर लेंगे तो 1 से 2 किलो जो नवरात्र खत्म होते ही वापस आएगा, बल्कि अगर 2 किलो कम किया है तो 4 किलो वापस आएगा। अच्छा ये होगा कि आप वेट लॉस से ज़्यादा फास्टिंग के फायदे पे ध्यान दें, क्योंकि नवरात्र का जो असली मज़ा है, असली फायदा है, वो फास्टिंग में है। तो दूसरा क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नवरात्र के फास्टिंग के पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है और हम फास्टिंग का फायदा कैसे उठा सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो नवरात्र जो है वो साल में 2 बार आता है, और दोनों बार तब आता है जब सीजन चेंज हो रहा होता है। अभी अक्टूबर में जो आता है हम गर्मी से ठंड की तरफ जा रहे होते हैं, और मार्च अप्रैल में आता है जब हम ठंड से गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं। इन दोनों सीजन चेंज में जब वेदर चेंज हो रहा होता है तो उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। तो बॉडी का इंटरनल फंक्शन भी चेंज हो रहा होता है टेम्परेचर के हिसाब से, यानी कि वेदर के हिसाब से। इसीलिए इन दोनों समय में फास्टिंग का सिस्टम रखा गया ताकि हम बॉडी को समय दे पाए, टाइम दे पाए और उसको कोऑपरेट कर पाए बाहर के चेंजिंग वेदर के साथ अपने आप को चेंज करने का। इसीलिए फास्ट में आपको ये कहा जाता है कि कम खाइए, लाइट खाइए या कुछ मत खाइए, ताकि बॉडी को ज़्यादा आराम मिले और उसको बाहर के एनवायरमेंट के साथ चेंज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हम करते क्या हैं, हम उल्टा करते हैं। हम सबसे ज़्यादा हैवी, जो हम नॉर्मल डेज में भी नहीं खा रहे होते, हम इस फास्ट में खाते हैं, हम इस नवरात्रों में खाते हैं। सीजन चेंज हो रहा होता है और हम बॉडी को इतना लोड दे रहे होते हैं फैटी फूड्स खा के और कार्बोहाइड्रेट्स खा के कि उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। बॉडी बाहर के सीजन के साथ कोऑपरेट कर ही नहीं पाता, चेंज हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो बिजी रहता है आपके कचड़े को डाइजेस्ट करने में। पूरे टाइम बॉडी बिजी है, उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि वो बाहर के चेंज के साथ अपने आप को चेंज कर पाए, और वही वाली बात हो जाती है कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप इम्यूनिटी कम हो जाती है, कोल्ड एंड कफ हो जाता है, और फिर सारा का सारा ब्लेम सीजन पे चला जाता है कि वेदर चेंज हो रहा है। फास्टिंग का सिस्टम रखा ही इसलिए गया था कि आपकी इम्यूनिटी कम ना हो।
आप जब कम खाएंगे बॉडी को सिर्फ उतना देंगे जो बॉडी की जरूरत है, तो बॉडी को आराम मिलेगा और बॉडी नए चेंज के हिसाब से, नए वेदर के हिसाब से चेंज कर रही होगी। इसलिए अगर फास्टिंग का पूरा फायदा उठाना है तो कंप्लीट फास्ट करिए, सिर्फ पानी पीजिए और जितनी देर तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं रहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जब अगले दिन नवरात्र शुरू होने वाले हैं तो एक दिन पहले आप अपने बॉडी को पूरी तरह टॉर्चर करते हैं, उसको पूरा जंक देते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो ठूस ठूस के नॉनवेज खा रहे होते हैं, और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो बाहर जाके पार्टी कर रहे होते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी का जो विटामिन मिनरल्स है वो पूरा का पूरा लॉस्ट हो जाता है, और अगले दिन से आप फास्ट करने वाले हैं। फास्ट में जब बॉडी को न्यूट्रिशन कम मिलेगा चूंकि आप कुछ नहीं खाएंगे, तो बॉडी को विटामिन मिनरल्स चाहिए होगा अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए। फास्टिंग एकमात्र तरीका है जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो सकती है। इसके अलावा आप जितने भी डिटॉक्स प्रोग्राम पढ़ेंगे सुनेंगे उसमें कोई भी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता, चाहे वो जूस डाइट हो चाहे वो फ्रूट डाइट हो, ये सब बेकार है। सिर्फ फास्टिंग एक तरीका है जिसमें बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करती है। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट में जाती है। जब आप कुछ नहीं खाते तो बॉडी के पास टाइम होता है, सेल्स के पास टाइम होता है कि वो अपने आप को रिकवर करे, अपने आप को रिजुविनेट करे, जिसके लिए उसको चाहिए होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? विटामिंस एंड मिनरल्स, जो आपकी बॉडी में पहले से स्टोर होने चाहिए। लेकिन नवरात्र के आने से पहले, 4 दिन 5 दिन पहले से हम पार्टी शुरू कर देते हैं कि नवरात्र आने वाला है फिर शायद हम कुछ खा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, नवरात्र में फास्ट करने के 3 दिन पहले से आपको पौष्टिक खाना खाना है, खूब नरिश करना है अपनी बॉडी को, और एक्चुअल नवरात्र में जितनी देर आप फास्ट कर सकते हैं उतनी देर आप फास्ट करिए, पानी पीजिए। जब कुछ ना संभल पाए, जब आपका सिर दर्द करने लगे या आपको एसिडिटी सी होने लगे, उस नौबत को आने से 1 घंटे पहले ही आप अपना फास्ट तोड़ दीजिए। और तोड़ने से मतलब ये नहीं कि आप नमक खा लीजिए, मतलब जो आप फास्ट में खाते हैं वो खाइए। और अभी हम तीसरे क्वेश्चन में ये भी समझेंगे कि नॉर्मल खाने को हम फास्ट के खाने में कैसे चेंज करेंगे ताकि हमारा पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन है वो लॉस्ट ना हो जाए। नॉर्मली हमारा जो फास्ट का जो खाना होता है उसमें केवल फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता ही नहीं। तो दोस्तों, हम तीसरे पार्ट में समझेंगे कि किस तरह से रिप्लेसमेंट्स किए जाए, रोटी की जगह क्या खाया जाए, चावल की जगह क्या खाया जाए, एक्सेट्रा। लेकिन फास्टिंग का फायदा आपको तब मिलेगा जब आप प्रॉपर फास्ट करेंगे, जब आप बॉडी को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देंगे, बॉडी को हल्की चीज़ें, लाइट चीज़ें देंगे जो बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगा, और फिर आप देखेंगे कि 9 दिन तक आप कितने स्ट्रांग रहेंगे इंटरनली, आपका इम्यूनिटी भी कम नहीं होगा और सीजन चेंज को बॉडी कितने अच्छे तरीके से अडॉप्ट करेगी। और अब थर्ड, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट को हम 3 तरीकों से देखेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट होता है रोटी और चावल। एक रोटी जो है वो 20 ग्राम आटे की होती है जो 50 ग्राम कुक्ड चावल के बराबर होता है। अब इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हैं 20 ग्राम कुट्टू के आटे से या 20 ग्राम साबूदाने से। ये अनकुक्ड अमाउंट मैंने बताया है। 20 ग्राम आपने कुट्टू का आटा लिया, फिर उसका चीला बनाया और आप खा सकते हैं उसमें सब्जियां मिला के। वैसे ही साबूदाना है, 20 ग्राम साबूदाना आप नमकीन साबूदाना सब्जियों के साथ बना सकते हैं, सेंधा नमक यूज करके, और वो फिर आप खा सकते हैं। रोटी और चावल को आप फ्रूट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक रोटी के बदले कौन सा फ्रूट कितना खा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप मान लीजिए दिन भर में 5 या 6 रोटी खाते हैं, तो उन 6 रोटी को आप कुट्टू के आटे में, साबूदाने में और फ्रूट्स में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 रोटी से ज़्यादा का कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में ना जाए, ये आपको इंश्योर करना है, ठीक है। दूसरा, प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन में कर्ड लेते हैं तो कर्ड आप एज इट इज़ ले सकते हैं। पनीर लेते हैं तो पनीर भी फास्ट में खाया जाता है। अगर आप दाल लेते हैं तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं आप। तो 100 ग्राम दाल 40 ग्राम पनीर के बराबर होता है, या फिर 40 ग्राम पनीर को आप 20 ग्राम नट्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको पनीर नहीं खाना दाल के बदले, तो नट्स यानी कि 20 ग्राम पीनट्स ले सकते हैं, 20 ग्राम एलमंड्स ले सकते हैं, 20 ग्राम वॉलनट ले सकते हैं। इस तरह से आप दाल को रिप्लेस कर सकते हैं। दाल में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, वैसे ही पनीर में प्रोटीन और फैट होता है, नट्स में भी प्रोटीन और फैट होता है, तो आपका प्रोटीन का कंटेंट बराबर रहेगा। तीसरा, जो लोग अंडे खाते हैं या चिकन खाते हैं उसका रिप्लेसमेंट भी है। आप एग्स की जगह पनीर ले सकते हैं, तो एक अंडा जो है वो 25 ग्राम पनीर के बराबर होता है।
और 25 ग्राम पनीर 10 ग्राम नट्स के बराबर। नट्स कुछ भी हो सकता है, पीनट, एलमंड्स, वॉलनट, कुछ भी हो सकता है। तो एक अंडा 25 ग्राम पनीर के बराबर और वो 10 ग्राम नट्स के बराबर। दोनों नहीं लेना है, या लगा हुआ है बीच में, या तो पनीर या नट्स। वैसे ही चिकन है, अगर आप चिकन 100 ग्राम लेते हैं तो उसके बदले 50 ग्राम पनीर ले सकते हैं, या फिर 50 ग्राम पनीर की जगह 20 ग्राम नट्स ले सकते हैं। इस तरह से आप अपना पूरा का पूरा खाना जो आप नॉर्मल दिन में खाते थे उसको फास्ट के डाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नवरात्र के फास्ट पे दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला, प्रोबायोटिक, आपका गट हेल्थ, तो दही को ज़रूर इंक्लूड करें किसी टाइम में। और दूसरा, प्रोटीन। तो आपको प्रोटीन के काफ़ी सोर्सेज मैंने बता दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, आप ज़रूर पढ़िएगा। आप वे प्रोटीन का भी यूज़ कर सकते हैं नवरात्रों में, लेकिन इसमें सॉल्ट होता है, तो आपको ये अवेयरनेस की ज़रूरत है। जो लोग जिम जाते हैं या वर्कआउट करते हैं तो उन वो अगर वे प्रोटीन लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट उसमें सॉल्ट होता है जो प्रोटीन के डब्बे पे मेंशन किया जाता है। सो दोस्तों, इस तरह से आप नवरात्र के फास्ट को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। वेट लॉस का दिमाग से निकाल दीजिए, हेल्थ का ध्यान में रखिए, फास्टिंग का क्या साइंस है उसको समझिए, और फास्टिंग को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए, इस पे काम करना शुरू करिए। ये हेल्थ जैसा भी है, हमारा खुद का बनाया हुआ है। क्या चाहिए? थोड़ा सा अवेयरनेस, और अवेयरनेस के ऊपर एप्लीकेशन। सिर्फ इन्फॉर्मेशन मत लीजिए, उसको अप्लाई भी करिए। सो दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट में दीजिए, अगर वो क्वेश्चन बढ़िया होगा तो उस पर पूरा वीडियो बना दूंगा या फिर उसी पर रिप्लाई कर दूंगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।